बदायूं के नगर दातागंज में आर्य रामलीला कमेटी दातागंज द्वारा भगवान शिव की बारात बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। वहीं महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर धूमधाम से निकाली गई। दोनों शोभा यात्राओं में सुंदर सुंदर झांकियों के अलावा बाहर से आए नृत्य कलाकारों ने अपनी अदाकारी से दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य आयोजन के तहत महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा का शुभारंभ दातागंज के विधायक राजीव कुमार सिंह के बड़े भाई मृदुलाभाषी डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह व भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय प्रभारी ठाकुर अमित कुमार सिंह रिंकू भैया ने किया। वहीं शिव बारात में मेला अध्यक्ष मोटी गुप्ता के साथ अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह पुलिस फोर्स के साथ स्वयं मौजूद रहे। क्या ग्रामीण और कस्बा के लोगों के लिए कुछ अलग तरीके की चीज़ें मिलेंगी इस बार? हमारे मेले में काफ़ी दूर दूर से दुकानें, झूले, कंपनी, वृंदावन रामलीला पार्टी, काफ़ी आदि चीज़ें मौजूद रहेंगी मेले में। शुरुआत पहली कब से हो रही है मेले की? हमारे 11 तारीख से पहली रामलीला स्टार्ट हो गई थी। 21 अक्टूबर को होने वाले गोदिया भंडारा के तुमसर मोहाड़ी विधानसभा चुनाव का प्रचार बड़ा ही जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं जोलहाड़ में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बुडोले के प्रचार में पूर्व सांसद शिशुपाल पटले की सभा में शामिल हुए। इस सभा में पूर्व सांसद ने मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। वहीं सभा के दौरान शिशुपाल पटले ने भाजपा को वोट देने की अपील की। जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली इलाके में एक घर के बाहर खेल रहे मासूम की नाले में डूबकर मौत हो गई। अचानक गायब होने के बाद ढूंढने पर नाले में मासूम का शव तैरता हुआ मिला। लोगों का कहना है कि नगरपालिका की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। मोहल्ले में जलभराव को लेकर स्थानीय लोग कई बार नगरपालिका चेयरमैन में शिकायत भी कर चुके हैं। मेरा नाम रहमत अली है। अच्छा, क्या क्या घटना हुई यहाँ पर अभी? यहाँ पर एक मासूम बच्चे की डूबकर मौत हो गई और यहाँ पर जो है ये बीजेपी के हमारे यहाँ चेयरमैन है। इस मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला है, मुस्लिम मोहल्ला होने के नाते यहाँ पर कोई देखभाल नहीं हो रही। मैंने दसियों बार कोशिश करी पानी निकलवाने की, यहाँ पर सब यहाँ तक के रेलवे की पुलिया पर पानी खुलवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यो साहब को भी लेकर आया मैं बुला बुला कर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कितने बड़ा बच्चा था ये, कैसे डूबा? ये बच्चा 11 महीने का बच्चा है, कैसे खेलता हुआ ये डूब गया नाले के आगे नाली में। सफाई नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। और अब तो इतना है कि आगे को पानी नहीं निकलना, बिल्कुल बंद हो गया। गाजियाबाद में हाई टेंशन बिजली की तार की चपेट में आने से 3 मजदूर झुलस गए। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में स्विज होटल के पास का है, जहां पर लोहे की सीढ़ी ले जा रहे 3 मजदूर तार की चपेट में आने से झुलस गए। दरअसल सीढ़ी हाई टेंशन वायर से टकरा गई थी। इसके बाद तीनों मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 घायलों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच की बात कह रही है। 3300 की लाइन से चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी सूचना मिली थी थोड़ी देर पहले, लगभग 7:30-8 बजे के बीच में कुछ मजदूर यहाँ शीशे की सफाई वगैरह कर रहे थे स्विस होटल की, और जब सफाई करके और दूसरी तरफ सफाई करने जा रहे थे तो जो सीढ़ी ट्रॉली वाली है वो अचानक स्लिप हुई और जो हाई टेंशन लाइन जा रही थी उससे टकरा गई, और जिस पर जो मजदूर अंदर बैठा हुआ था झुलस गया। आदमी बुरी तरीके से उसकी मृत्यु हो गई, बाकी 2 लोग घायल हुए जिन्हें उपचार के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया। अरे, घटना कैसे हुई, क्या कुछ रहा? अभी कोई किसी तरह के ने कुछ कहा नहीं है। जो प्राइम ऑफिसर जानकारी मिली है वो मैंने आपको बता दी कि सफाई के लिए सीढ़ी जब लेके जा रहे थे तो सीढ़ी इससे स्लिप हो गई और वो ऊपर से जो हाई टेंशन लाइन जा रही थी उससे टच हो गई। सर, कोई लापरवाही, किसी की लापरवाही कोई कार्रवाई? ये तो कोई तहरीर देगा, उसके बाद चीजें देखी जाएंगी क्या है स्थिति, जाँच का विषय है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिना। क्या हुआ था यहाँ स्विस होटल पर? यहाँ पे जी सफाई चल रही थी, सफाई के कारण से सीढ़ी लेकर आ रहे थे बड़ी, यहाँ पर 3 जने थे वो सीढ़ी पे उधर से इधर लेकर आ रहे थे, तो स्विस होटल की सफाई चल रही थी तो इस पर तारों में टच हो गई, उसके कारण 2 आदमी घायल हुए हैं, एक तुरंत मर चुका है वारदात में। कितनी देर में पुलिस आई? पुलिस आई काफी टाइम बाद आई थी, जब वो आग बुझ चुकी थी उस आदमी की तब पुलिस आई। क्या नाम है आपका बेटा? प्रेम। प्रेम, क्या हुआ था स्विस होटल के आगे? सीढ़ी
गाड़ी लेके आ रहे थे जी, इसमें टार में टच हो गई थी जी। अरे क्या कहते, पुलिस बहुत टाइम आ रहा थी। जब तार में टच हुई तो किन लोगों को चोटें आई हैं, क्या जी? दो लोगों को घायल है और एक लोग तुरंत, एक मर गया था तुरंत जब पुलिस आई थी। तुरंत जब मर गया था, जब मामला रफा दफा हो गया था, जब आई थी जी पुलिस। इंदिरा स्टेडियम में 17वीं जनपदीय शिक्षा युवा क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र पांडे रहे। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एसके तिवारी की अध्यक्षता में यह समारोह संपन्न हुआ। इस क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समारोह में लगभग 30 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। महोबा के थाना पनवाड़ी कस्बे में अभी दो दिन पहले सर्राफा व्यापारी के घर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था, जिसमें 1 किलो सोने के साथ ही करीब 10 किलो चांदी ले उड़े थे ये चोर। अभी इस चोरी का खुलासा नहीं हुआ था कि कस्बे में एक और चोरी हो गई। पीड़िता ने बताया कि 2 बजे दोपहर को बाजार गई हुई थी, वापस घर आकर देखा तो दोनों कमरे के ताले टूटे हुए थे और बगल के कमरे में किराएदार के भी ताले टूटे पड़े थे, जिसमें चोरों ने 50,000 नकद, 8 तोला सोना और कुछ चांदी लेकर फरार हो गए। आनंद फानंद में पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मौका मुआयना कर मामले की जांच में जुटी हुई है। आंटी जी, आप कहाँ की रहने वाली हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला देवी है और मैं हरजन बस्ती पनवाड़ी के रहने वाली हूँ। क्या घटना हुई आप? सर मेरे यहाँ 2 बजे, 1 बजे से 2 बजे के बीच में चोरी हुई है। मेरे 4 कमरों की चोरी हुई है, जो कि मेन गेट का भी ताला टूटा और मेरे यहाँ किराएदार भी रहते हैं, उनका भी ताला टूट के चोरी हो गई और मेरे दोनों गृहस्थी के कमरे की भी टूट के ताले टूट के चोरी हो गई। लगभग कितना सामान? मेरा 50,000 रुपए नकदी थी, जो कि पूरा नकदी ले गए हैं, और मेरा जेवराजू की अंगूठियां, मेरी मंगलसूत्र कानों के थे। आपको किसी पर शक? सर यहाँ आसपास में जुए के फड़ लगते हैं और तो दिन दहाड़े कौन चोर आ सकता है, जुए के फड़ लगते हैं और पुलिस यहाँ देखने ही नहीं आती है, मतलब कि जुए कहाँ खेले जाते हैं, कहाँ कौन है।